बढ़ते हैं आगे। सितंबर से टैक्स पेयर्स के लिए कई चीजें बदलने वाली हैं। आमतौर पर बजट में जो भी बदलाव होते हैं वो अप्रैल से लागू होते हैं, लेकिन जुलाई के बजट में इनकम टैक्स को लेकर काफी बदलाव हुए जो 1 सितंबर से लागू होंगे। आप भी समझिए इन बदलावों के बारे में। नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या पुराने घर के रेनोवेशन की प्लानिंग है, अगले कुछ महीने में शादी करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए कैश पेमेंट करना है, तो जरा इधर ध्यान दीजिए क्योंकि 1 सितंबर से इन सब पर टैक्स चुकाने के नियम बदल गए हैं। घर खरीदते समय मिलने वाली दूसरी सुविधाओं पर भी टीडीएस चुकाना होगा, जैसे क्लब की मेंबरशिप, कार पार्किंग फीस, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं। बजट में हुए नए ऐलान के बाद अब ये सब सुविधाएं भी टीडीएस के दायरे में आ गई हैं। पहले सिर्फ घर की कीमत पर ही टीडीएस चुकाना होता था, लेकिन अब सारी सुविधाओं को मिलाकर टीडीएस कटेगा। बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस चुकाना पड़ेगा। ये निकासी चाहे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से की गई हो, इस कैश निकासी पर 2% का टीडीएस कटेगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 194N जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश है कि कैश की जगह डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को पेमेंट किया है तो 1 सितंबर से उस पर भी टीडीएस चुकाना होगा। ये पेमेंट साल में एक मुश्त या कई हिस्सों में 50 लाख से ज्यादा होने पर ही 5% का टीडीएस लगेगा। यानी घर की मरम्मत, रेनोवेशन या शादी जैसे कामों के लिए आपने किसी प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है तो उस पर टीडीएस कटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद मिले पैसों पर भी टीडीएस लगेगा। टैक्सेबल इनकम पर 5% का टीडीएस चुकाना होगा, लेकिन ये टीडीएस पूरी इनकम पर नहीं बल्कि नेट इनकम पर लगेगा। नेट इनकम यानी कुल मैच्योरिटी रकम में से चुकाई गई रकम निकाल दें और जो अमाउंट आए वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पहले कुछ मैच्योरिटी की रकम पर 1% टीडीएस लगता था। जुलाई के बजट में इनकम टैक्स विभाग को ज्यादा ताकत दी गई है। अब इनकम टैक्स विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से टैक्स पेयर्स के हर छोटे से छोटे लेनदेन की जानकारी मांग सकता है। पहले 50,000 से ज्यादा के लेनदेन पर ही जानकारी मांगी जाती थी। 1 अप्रैल 2019 से आधार पैन लिंक कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन अवैध हो जाएगा। इससे ये माना जाएगा कि व्यक्ति के पास कभी पैन था ही नहीं, मतलब उसके पिछले सभी ट्रांजैक्शन पर सवाल खड़े हो जाएंगे। जुलाई के बजट में इस नियम में थोड़ा सुधार किया गया है। आधार से लिंक नहीं होने पर पैन अवैध नहीं बल्कि निष्क्रिय माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पीएफ पर ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 8.65% ब्याज मिलेगा। पीएफ पर 8.65% ब्याज देने के लिए वित्त मंत्रालय तैयार हो गया है। वित्त मंत्रालय ब्याज दरों को जल्द नोटिफाई कर देगा। इसका सीधा फायदा 6 करोड़ खाताधारकों को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से पीएफ खातों की ब्याज दरों पर सहमति नहीं बन पाई थी। वित्त वर्ष 2017-18 में पीएफ पर 8.55% ब्याज मिला था, यानी 2018-19 में ये 0.10% ज्यादा मिलेगा।